Hey guys, what's up and welcome back to Guru Edit Channel. So guys, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करना। और ये गाइज मैंने फोटो जो है अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करा था, तो मुझे यार आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, तो मैंने भी सोचा इस फोटो का ट्यूटोरियल लाना चाहिए। तो ये देख सकते हो बिफोर फोटो एंड आफ्टर फोटो, तो गाइज बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा आप लोग भी ऐसा फोटो एडिटिंग करोगे तो। गाइज वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक वॉच करना। और गाइज सॉरी फॉर दैट कि गाइज मैं आप लोगों के लिए जो है ट्यूटोरियल रेगुलर अभी के टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यार कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा कुछ चल रहा है मेरा, तो इस वजह से आगे अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप लोगों के लिए वीडियो जो है रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं आपको अपना प्रॉब्लम भी नहीं बता सकता, क्योंकि प्रॉब्लम ही कुछ ऐसा है कि मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, समझ सकते हो गाइज। तो गाइज सबसे पहले आपको जो है ये बैकग्राउंड आपको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ये बैकग्राउंड को डाउनलोड करने में पिक्सआर्ट में ओपन करना है। पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये ब्लर कर लेना है, ज़्यादा ब्लर मत करना, 10% के अराउंड ब्लर कर लेना। एंड गाइज ब्लर करने के बाद अब जो है आपको चलना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में गाइस चलने के बाद आपने जो है अपने फोटो को यहाँ पे ऐड करना है, जो कि मैंने नॉर्मल फोटो आप लोगों को दिखाया था। आप गाइस जो है मेरे नॉर्मल फोटो पे भी ट्राई करके देख सकते हो कि आप मेरी तरह सेम टू सेम एडिट कर पा रहे हो कि नहीं। मैं आपको नॉर्मल फोटो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है गाइस। इससे क्या होगा ना कि आपको जो है थोड़ा सा मिल जाएगा, अच्छे से सीख सकते हो, मेरे फोटो प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपसे फोटो एडिटिंग सेम टू सेम हो पा रहा है कि नहीं। और गाइस आप लोग भी अगर मेरी तरह सेम टू सेम एडिटिंग कर लेते हो ना, तो मुझे यार इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना, क्योंकि गाइस मुझे आप लोग देखते हो इंस्टाग्राम पे कि मैं आप लोगों को कितना अच्छे से सपोर्ट करता हूँ। और आप लोग अपनी फ़ोटो मुझे सेम टू सेम अगर एडिट करके टैग करते हो, तो मैं आप लोगों के लिए फ़ोटो जो है अपनी वीडियो में भी शेयर करता हूँ लोगों के साथ, अगर पसंद आता है तो, है ना। तो गाइस आप लोगों को फोटो ऐड करने के बाद इरेजर लेना है। इरेजर का गाइस कुछ इस तरीके से साइज सेट करके हम अपने बैकग्राउंड को इरेज करेंगे कुछ इस तरीके से गाइस, है ना गाइस। बैकग्राउंड हमें कभी भी यहीं से इरेज करना है, जिसकी मदद से हमारा फोटो का जो क्वालिटी होगा ना गाइस वो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमारा बैकग्राउंड इरेज होगा और हमारा फोटो का पिक्सल भी नहीं पटेगा। तो गाइस थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बट आप लोगों को यहीं से इरेज करना है बैकग्राउंड। तो मैं गाइस यहाँ पे फटाफट स्किप कर देता हूँ वीडियो को, यार वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आप लोगों को। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने अपने फोटो को बैकग्राउंड यहाँ पे परफेक्ट इरेज कर लिया है। तो गाइस आप लोगों भी कुछ इसी तरीके से इरेज कर लेना है। गाइस मैंने पूरा वीडियो आप लोगों को बैकग्राउंड का नहीं दिखाया, अगर आप लोगों को परफेक्ट अगर बैकग्राउंड इरेज करना सीखना है कि मैं कैसे इरेज कर सकता हूँ अपने बैकग्राउंड को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बैकग्राउंड, तो गाइस इसके टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनी होगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके चेक कर लेना और अच्छे से सीख लेना, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से ना ये वाला कर लेना, इफेक्ट डाल लेना अपने फोटो में एक एम्प्टी लेयर बना के, काफ़ी अच्छा गाइस इफेक्ट आ जाएगा आपके बैकग्राउंड के साथ, आपका फोटो जो है हल्का फुल्का मैच होने लग जाएगा यहीं से, ठीक है। आप सिंपल ऐसा डन कर लेना गाइस। डन करने के बाद अब जो है आपको चलना है पे टूल्स वाले ऑप्शन में, एंड इसके अंदर गाइस एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में चलना है। और गाइस हम यहाँ पर जो है अपने फेस टोन के लिए हम कुछ यहाँ पे करेंगे, जो कि गाइस ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड सैचुरेशन को हम यहाँ पर थोड़ा सा माइनस में रखेंगे। गाइस हम फेस टोन के लिए नहीं, सही में भूल जाता हूँ यार, मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ भूल जाता हूँ बार बार, और सॉरी गाइस मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है तो इसको इग्नोर करना। और गाइस हम यहाँ पर जो है ना डोज इफेक्ट देने वाले हैं अपने फेस के ऊपर, कुछ इस तरीके से आपको डोज इफेक्ट देना होगा। गाइस विजय मार के फोटो में आप लोग देखते ही होंगे डोज इफेक्ट काफ़ी प्यारा सा लगता है, तो गाइस हम इसी तरीके से जो है डोज इफेक्ट अपना फोटो में दे सकते हो। और गाइस डोज बन के भी ऊपर अगर आप लोगों को अच्छे से सीखना है कैसे क्या होता है, क्या मतलब होता है इनका, तो गाइस इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा होगा, चैनल पेज पे जाके देख लेना वीडियो को। एंड गाइस इस तरीके से डोज इफेक्ट देने के बाद अब चलना है आपको ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड अपने फोटो को यहाँ से कर लेना है सेव। अब गाइस यहाँ से बीच वाले बटन से हम अपने होम पेज पे आ जाएंगे कार्ड के एंड चलेंगे अपने गैलरी में। और गाइस हम पिक्सआर्ट में जो अभी हमने फोटो को सेव करा था वो फोटो पे चलेंगे एंड इसको आप शेयर यहाँ से करेंगे एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है गाइस। एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फिर एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर हम अपने फ़ोटो को जो है ओपन कर लेंगे। अब गाइज़ यहाँ पर हम अपने फोटो में कलर ग्रेडिंग करेंगे और लाइट का एडजस्टमेंट करेंगे, तो गाइज़ जैसा जैसा मैं यहाँ पे करूँगा एज इट इज़ आप लोगों को देख के वैसे ही कर लेना है। मैं आपको जो है आगे की वीडियो में वॉइस ओवर नहीं करूँगा, थोड़ा सा मेरा गला में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग प्रॉब्लम सोच सकते हो यार, तो आगे की वीडियो जो है बिना ऐसे ही वॉइस के देख लो यार, मज़े लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ अभी तक यार चलो कोई नहीं, लाइक तो कर ही दोगे, तो गाइज़ चलिए वीडियो को देखते रहिए।
We'll be right back.